हेलो फूडीज फ्रेंड्स, मैं सबा फरोशिक, सबाज किचन में आप सबका स्वागत है। मैं बना रही हूँ एप्पल का शरबत। आपने इसे जूस सेंटर पर पिया भी होगा। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। एप्पल का शरबत आप आसानी से घर पर ही तैयार कर सकते हैं, खासकर गर्मी के मौसम में या फिर रमज़ान में या फिर मुहर्रम के दिनों में। ये पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं एप्पल का शरबत। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 750 ml मिल्क, एक एप्पल। एप्पल को मैंने गर्म पानी में 3 से 5 मिनट के लिए डुबो कर रखा था, जिससे कि अगर एप्पल पर वैक्स या किसी तरह का केमिकल लगा हो तो वो रिमूव हो जाएगा। 5 बड़ी चम्मच चीनी। आप शरबत में जितनी मिठास चाहते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी इस्तेमाल करें। 1 छोटा चम्मच सब्ज़ा। सब्ज़ा को मैंने 30 मिनट के लिए 1/4 कप पानी में भिगो कर रखा था, जिससे कि इस पर इस तरह की ट्रांसपेरेंट वाइट कोटिंग आ जाती है। और फिर इसे आप कंज्यूम कर सकते हैं फालूदा शरबत या किसी सिरप वाले ड्रिंक में डालकर। 2 बड़ी चम्मच पिस्ता और बादाम। इसे 10 मिनट के लिए पानी में भिगोकर इसके निकाल कर लंबाई में कट कर लीजिए। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि काजू या फिर चारोली। और शरबत में मैंने फ्लेवर के लिए लिया है 2 बड़ी चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ये बिल्कुल फाइन पाउडर जैसा होता है और बहुत से फ्लेवर में मार्केट में अवेलेबल भी है। मैं वेनिला फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। मैंने इस शरबत को चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में भी बनाया था, पर वेनिला फ्लेवर इस शरबत के टेस्ट के लिए बेस्ट है, तो आप वेनिला फ्लेवर ही यूज़ कीजिए। कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप मिल्क। सबसे पहले 1 बड़े बर्तन में मिल्क को बॉईल करने रख दीजिए धीमी आंच पर। जब तक ये मिल्क बॉईल हो रहा है, तब तक कस्टर्ड पाउडर में दूध डाल करके घोल तैयार कर लीजिए। कस्टर्ड पाउडर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए और बिल्कुल भी लम्स ना रहे। ये आप देख सकते हैं कस्टर्ड पाउडर का घोल हमने तैयार कर लिया है, फिलहाल इसे साइड में रख देते हैं। तो लीजिए, मिल्क बॉईल हो गया है। इसमें डाल देंगे चीनी और चम्मच की मदद से चीनी घुलने तक लगातार इसे चलाते हुए पका लीजिए। क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा गर्म है तो चीनी घुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर इसमें डाल दीजिए कस्टर्ड पाउडर का बनाया हुआ घोल। इसे धीमी आंच पर लगातार चम्मच की मदद से चलाते हुए पका लीजिए। अगर आपने दूध में कस्टर्ड पाउडर डालकर यूं ही छोड़ दिया तो कस्टर्ड पाउडर बर्तन के तले पर जाकर चिपक जाएगा, इसीलिए इसे डालने के बाद दूध में अच्छे से मिला लीजिए चम्मच की मदद से। जब दूध में थोड़ी सी थिकनेस आ जाए तो गैस को कर दीजिए बंद। ये आप देख सकते हैं दूध का कलर कितना चेंज हो गया है और बहुत ही मीठी खुशबू भी आ रही है। जब आप गैस को बंद कर देंगे तब इसमें डाल दीजिए कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। गर्म दूध में ड्राई फ्रूट्स नरम पड़ जाते हैं, जिससे कि शरबत पीते समय आपको बहुत ज़्यादा च्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे ढक करके ठंडा होने रख दीजिए रूम टेम्परेचर पर। जब दूध ठंडा हो जाए तब आप एप्पल को 2 हिस्सों में काट कर छिलके के साथ ही जाड़ा ग्रेट कर लीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं शरबत को अपनी पसंद के सर्विंग जग में निकालें और तुरंत ही ग्रेट किया हुआ एप्पल डालकर इसे अच्छे से मिला लीजिए। एप्पल में पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज जैसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिससे कि ये हवा के संपर्क में आते ही तुरंत एप्पल का रंग भूरा कर देते हैं। पर टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, ये पूरी तरह से सेफ है। और साथ ही इसमें ऐड कर लीजिए भिगो कर रखा हुआ सब्ज़ा और फिर इसे भी मिला लीजिए। आप चाहें तो इसे 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने रखें या फिर सर्विंग ग्लास में थोड़े से आइस क्यूब्स डालें और फिर एप्पल का शरबत डालकर इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। तो लीजिए फूडीज फ्रेंड्स, एप्पल का शरबत बनकर तैयार है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियोज़ पर लाइक एंड कॉमेंट दीजिए, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिसकी वजह से आपको मेरे नए वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय।